हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट आवर मैथ चैप्टर विथ मेंटल मैथ। ओके, यहाँ पे देखिए 80 लिखा हुआ है, 8080। ये सिंबल माइनस है कि प्लस है कि डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, ये चीज को खास ऑलवेज ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, 80 माइनस 35। 80 में से 35 माइनस करो इक्वल टू, तो आंसर क्या आता है, 45 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये 45 यहाँ पे आ गया। देखिए 45 यहाँ पे सिंबल देखिए प्लस एडिशन, 45 प्लस 35 आंसर क्या आएगा, थोड़ा सोचिए। 80 माइनस 35 इक्वल टू 45। फिर 45 प्लस 35 मैंने बताया था, आपका आंसर सही है कि नहीं इस प्रोसेस में चेक करना है। 45 प्लस 35 इक्वल टू ऑब्वियसली आंसर इज 80। ओके, इस तरह से नीचे दिए गए हुए ये जो सम्स है इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कोई ओरिड होने की जरूरत नहीं, खुद बैठेंगे, किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे। समझ में नहीं आते तो आप आपके एल्डर्स को पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, खुद के ब्रेन यूज करेंगे और इस चीज को आप लोग बनाएंगे। गलत होगा तो होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स फॉर द प्रैक्टिस टाइम। अभी सम्स को प्रैक्टिस करना है। इंदूस पेंसिल इज 15 cm यानी कि सेंटीमीटर। इंदूस पेंसिल इज 15 cm लॉन्ग। ज्योतिष पेंसिल इज 8 cm लॉन्ग। फूज पेंसिल इज लॉन्गर। आपको आंसर इसी में ही है। इंदू का जो पेंसिल है वो 15 cm लॉन्ग है, ज्योति का जो पेंसिल है वो 8 cm लॉन्ग है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हूज पेंसिल इज लॉन्गर, किसका पेंसिल लॉन्गर है। नो डाउट इंदूस पेंसिल इज लॉन्गर, इंदू का पेंसिल बड़ा है। हाउ मच लॉन्गर, कितना बड़ा है, तब आपको क्या करना है, 15 माइनस सबस्ट्रैक्ट 8, जो आंसर आएगा वहां पे लिखना है कि इतना बड़ा है। ओके, नंबर सेकेंड, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर। आप क्या करिए, यहां पे सॉल्ट और शुगर दोनों पैकेट का 2 पैकेट दिया हुआ है। आस्क योर पापा और मम्मी, आप अपने पापा या मामा को पूछिए प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो नमक का रेट कितना है, यहां पे लिखना है। प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, 1 किलो चीनी खांड, यहां पे लिखना है। पहले सॉल्ट का कीमत लिखना है, फिर 1 किलो शुगर की कीमत यहां पे लिखना है। ये दोनों लिखने के बाद विच वन इज मोर कॉस्टली, जो फिगर बड़ा होगा, या तो सॉल्ट का फिगर बड़ा होगा तो सॉल्ट लिखना है, शुगर का कीमत ज्यादा होगा तो शुगर लिखना है। विच वन इज मोर कॉस्टली, या तो नमक महंगा है या तो चीनी महंगा, यहां पे लिखना है वो चीज। विच वन इज मोर कॉस्टली, जिसका कीमत ज्यादा होगा वहां पे उसका नाम लिखना है। एंड हाउ मच मोर डज इट्स कॉस्ट, कितना ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 फिगर आएंगे एक दूसरे से माइनस कर देंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर पे आप यहाँ पे लिखेंगे इतना अमाउंट मच मोर है दूसरे अमाउंट से। ओके, नंबर 3, अजय कुक्ड चपातीस इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड ही टेक कुक बोथ द थिंग्स। ओके, अजय जो है खाना बना रहा था, वो चपाती बनाने के लिए 25 मिनट्स लिए, हाउ मच 25। अजय जो है चपाती बनाने के लिए 25 मिनट्स लिए और दाल बनाने के लिए 15 मिनट्स लिए,
हाउ मच टाइम ही डेड टू डीड टेक टू कुक बोथ द थिंग्स, ये दोनों चीज बनाने के लिए कुल उन्होंने कितना समय लिया, क्या करेंगे उसमें, एडिशन ही करेंगे ना, प्लस करेंगे, दोनों को टोटल करेंगे तो ही अपने को कुल टाइम का पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 रुपया का पोटैटो परचेस किया, 4 रुपया का टमाटर परचेस किया, तो कुल आपने कितना परचेस किया, 4 + 3 = 7, सेम थिंग है, एडिशन किया, आपने प्लस किया तो आपको मालूम पड़ा कि आपने 7 रुपीज खर्चा किया है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, 25 मिनट्स प्लस दाल का 15, ये दोनों का प्लस कर देंगे, जो आएगा अजय ने उतना समय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचला सेल्स स्कूल शूटर्स, इन 2 डेज शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर शूटर्स, शूटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, शूटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक थोड़ा क्रिटिकल है आपके लिए। चंचल सेल्स स्कूल शूटर्स, चंचल जो है वो स्कूल शूटर, शूटर जो ठंडी के दिन में पहनते वो यूज सेल करते थे। इन 2 डेज ही सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर शूटर, 2 दिन उन्होंने बेचा, 2 दिन में कुछ रेड कलर का, कुछ ब्लू कलर का, कुछ ग्रे कलर का शूटर उन्होंने बेचा। तो इसका देखते हैं क्या है, फर्स्ट डे पहले दिन में रेड में से 38, ब्लू में से 66, ग्रे में से 74, सेकेंड डे में रेड में 40, ब्लू में 23, ग्रे में 89। लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रे शूटर्स डी चंचल सेल इन 2 डेज। ऐसे ही आपको टेबल बनाना है आपकी नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी ग्रे शूटर्स डी चंचल सेल इन 2 डेज, 2 दिन में चंचल ने कितना ग्रे कलर का शूटर बेचा था। तो हम क्या करेंगे, 89 + 74, ये दो फिगर जो है इनको प्लस करेंगे, जो टोटल आएगा, तो चंचल ने वो ग्रे कलर का शूटर 2 दिन में इतना बेचा था। डिड सी सेल मोर रेड शूटर्स देन ब्लू शूटर्स इन 2 डेज, उन्होंने चंचल ने 2 दिन में सेल मोर रेड शूटर्स देन ब्लू, ब्लू शूटर से ज्यादा रेड शूटर्स बेचे थे क्या, चंचल ने 2 दिन में इन 2 डेज वो 2 दिन में ब्लू शूटर से ज्यादा रेड शूटर्स बेचे थे क्या। तो उसके लिए क्या करना स्टूडेंट्स, ब्लू कलर का ये 2 फिगर को टोटल करना है, रेड कलर का ये 2 फिगर को टोटल करना है। जो आंसर आएगा, अगर रेड कलर ज्यादा होता है यस चंचल सेड रेड कलर शूटर, नहीं आएगा तो नो चंचल डिडंट सेल रेड कलर शूटर मोर देन ब्लू कलर, ये आंसर लिखना है। ओके, सी हाउ मेनी रेड एंड ग्रे शूटर्स डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 100। फर्स्ट डे का फिगर लेना है, फर्स्ट डे में हाउ मेनी रेड, रेड में से कितना है और ग्रे में से कितना है, रेड एंड ग्रे शूटर का टोटल करना है। तो 120 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे टिक करना है, 120 से कम होगा तो यहाँ पे टिक करना है। हाउ मेनी शूटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन द सेकेंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140। फिर सेकेंड डे में हाउ मेनी शूटर्स इन ऑल, कोई भी कलर नहीं, तीनों का ही प्लस करना है, रेड ब्लू एंड ग्रे, ये तीनों का टिक करने के बाद, टोटल करने के बाद, इज दैट मोर देन 140, वो 140 से ज्यादा है या 140 से कम है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
is Sangeeta right? Sangeeta went to the market with grandpa. Sangeeta अपने grandfather के साथ market गए थे और उन्होंने वहाँ पे देखा. She looked at the price and said to her grandpa. उन्होंने ये देखिए oil का rate लिखा हुआ है, biscuit का rate, घी का rate, rice, चावल का rate लिखा हुआ है. Oil 70 rupees, biscuit 25, ghee 127, rice for 10 kg 150. ये red chart यहाँ पे लगा हुआ है. Ghee is rupees 102 rupees costlier than biscuits. Yes or no? Sangeeta अपने grandpa को बताते हैं घी जो है 102 रुपया बिस्कुट से महंगा है. सही है या गलत है? तो आपको क्या करना है, 127 माइनस 25 जो आंसर आएगा, अगर 102 आएगा तो राइट है, नहीं वो नहीं आता है तो देन रॉन्ग है. प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी टुगेदर इज मोर देन रुपीज 200. प्राइस ऑफ ऑयल 70 पर लीटर एंड घी 127 इज मोर देन 200. ये दोनों को टोटल करेंगे, 127 प्लस 70 और 200 से ज्यादा होगा तो राइट करेंगे, 200 से कम होगा तो क्रॉस करेंगे. क्या दिया है, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन रुपीज 200. ये सर नो. प्राइस ऑफ घी एंड 10 केजी राइस इज लेस देन रुपीज 300. प्राइस ऑफ घी 127 एंड प्राइस ऑफ 10 केजी राइस 150. तो दो 300 से ज्यादा है क्या, 300 से ज्यादा है क्या? यस तो राइट, नो तो रॉन्ग. ऑयल कॉस्ट इज 40 मोर देन ए पैक ऑफ बिस्कुट. बिस्कुट का पैकेट का रेट कितना है, 25, ऑयल का 70. तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑयल कॉस्ट इज 40, ऑयल का जो कॉस्ट है वो 40 रुपया ज्यादा है बिस्कुट से. वो अगर सही है तो राइट, रॉन्ग है तो क्रॉस. एंड ट्राई योर बेस्ट, किसी को भी नहीं पूछना है स्टूडेंट्स, द बेस्ट अपना देना है और आपको ही इस चीज का सॉल्यूशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.